बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं फ्राई आलू कलेजी रेसिपी, चिकन कलेजी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू फ्राई चिकन कलेजी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे ऑयल है, इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज का गोल्डन कलर आई है, इसको निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं ऐड करूँगी कलेजी। मेरे पास 250 ग्राम कलेजी है। ये चिकन की है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच इसमें फुल आपने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, इसको भी फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से, कल तो अपनी स्मेल होती है खत्म हो जाएगी। अच्छा, देखिए इसमें मैं ऐड करूँगी 2 तेज़ पत्ते, 1 बड़ी इलायची है, 1 दाल, 2 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास छोटी इलायची है, 3 अदर लौंग है मेरे पास 6-7। इसके अलावा मेरे पास सेवेत्री है थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, ये मैं ऐड करूँगी और मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। उसको मैंने फ्राई किया, ठीक है, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। सही है, चला गया। इसके साथ किसी भी लाल मिर्च है, ये अपने स्पाइस के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर है इसमें 1 खाने का चम्मच। बाकी इसके साथ मैं ऐड करूँगी चॉप हरी मिर्चें और टमाटर। चॉप हरी मिर्चें हैं और टमाटर है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्चें। थोड़ा सा पानी के साथ इसको भूनेंगे। अच्छा, देखिए इसका पानी जो है खुश्क हो गया है। ठीक है, अब मेरे पास जो प्याज मैंने फ्राई करके निकाली थी उसको मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया है। ठीक है, इस तरह का पेस्ट बन गया, आप देख सकते हैं। ये मैं ऐड कर रही हूँ उसमें। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 250 ग्राम आलू हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने शेप में कट कर लिया था, इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका, इसको मिक्स करेंगे नमक डाल के, इसको भून लेंगे। देखिए, चिकन की कलेजी है इसलिए जल्दी कुक हो जाती है, तो इसके अंदर मैं जो है टमाटर वाला का पानी भी इसका निकला है अपना। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बाकी, इसको कुक कंप्लीट कुक करने के लिए से पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ठीक है, 1 कप। अब इसको कुक करने के लिए रख लेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो हमारी कलेजी है वो सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम फ्राई किया हुआ आलू ऐड करेंगे, और जो आलू है वो भी हमारे आधे से ज़्यादा जो है वो कुक हो चुके हैं, फ्राई किए हुए आलू। ठीक है, इनको मिक्स करेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट इनको कुक करेंगे क्योंकि ये गले हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुक हो चुके हैं, ये फ्राई के टाइम पे हो गए थे, तो उससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे इनको। इसमें मैं ऐड करूँगी 5 अदर हरी मिर्चें, गर्म मसाला है 1 खाने का चम्मच, पाउडर है। इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। इसमें ऐड करूँगी 4 अदर धनिया। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, फ्राई आलू कलेजी रेसिपी रेडी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, बहुत ही मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा और साथ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।
नेक्स्ट टाइम के लिए चार साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।